उपस्थित सभी हमारे गुरुजन और प्राध्यापक और मेरे सहपाठी शोधकर्ता छात्र छात्राएं और हमारे महाविद्यालय के जितने भी प्यारे पीछे छात्र छात्राएं बैठे हैं सभी को सबसे पहले सुप्रभात। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय जो अंग की धरती मानी गई है वहाँ से जब यहाँ के लिए आया तो बहुत सारा ऐसा चीज सीखने को मिला जिसका अभी शब्दों में तो बयां करना संभव नहीं है क्योंकि समय की गरिमा को देखते हुए। तो आज का जो परिचय हम दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिक संपोषणीयता एवं आत्मनिर्भर भारत है। इसमें मेरा विषय है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति की भूमिका क्या होगी, क्योंकि कल और आज के सभी जो वक्ताओं का जो वक्तव्य मैंने सुना उसमें हरेक वक्तव्य में यह सामान्य रूप से सीखने को मिला कि सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिक संपोषणीयता में जितनी भी बातें की गई उसके लिए जो हमारा उद्देश्य है हमारा ध्येय है उस पर सिर्फ चर्चा करने से नहीं होगा, धरातल रूप से हमको क्या उस पर कार्य करना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा मतलब संकल्प के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने नजरिया को मैं खुद बदलू तब इस समाज में सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हम कर सकते हैं। नवीनीकरण के इस युग में सामाजिक आर्थिक प्रौद्योगिक और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की गई यह कोई नई बात नहीं है, यह पुराने हमारे प्राचीन काल से परंपराओं के आधार पर चलती आ गई है। तो हरेक बिंदु पर चर्चा करने से पहले मैं यही कहूंगा कि नई शिक्षा नीति और इन सारी बातों का एक दूसरे से संबंधित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि सभी प्रकार की बातें होती है, अगर हम शिक्षित नहीं होंगे वह भी नए ढंग से नहीं होंगे, परंपरागत तरीकों में तकनीकी जो बातें हैं उनकी जटिलताओं को सरलीकृत रूप से अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो हमारा जो शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य है मात्र उपाधि तक रह जाएगा, ज्ञान और उससे उसका फलस्वरूप जो हमारे समाज में पड़ेगा वो मिल नहीं पा रहा। मैं अपने विषय पर आते हुए जरूर बोलूंगा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में नई शिक्षा नीति की जो भूमिका है वो आत्मनिर्भर परिवेश में एक नया और एक ऐसा कदम है जिसका जो विमोचन है वो सरकार के द्वारा किया गया। इसमें तकनीकी बदलाव के साथ साथ जो अन्य बातों को रखा गया है उसके विषय में मैं संक्षेप में कहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत के प्रवेश में नई शिक्षा नीति 2020 एक सराहनीय और सकारात्मक कदम की ओर परिलक्षित होती प्रतीत होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद यह पहला कदम था जब नई शिक्षा नीति को लाने की बात की गई और शिक्षा जगत में यह एक अभूतपूर्व कदम है। इसकी जो अध्यक्षता है वो के कस्तूरिंदर जी अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा की गई है। शैक्षणिक जो हमारा क्रम है उसका जो पूर्व प्रारूप है 10+2+3 की संरचना उसमें बदलाव कर दी गई है क्योंकि समय और प्रकृति का यह नियम है कि एक समय के बाद हर एक परिस्थिति का जो है बदलाव होना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारी नई शिक्षा नीति में भी ऐसा देखने को मिल रहा है और यह भविष्य की ओर एक ऐसी शिक्षित भारत की परिकल्पना कर रहा है जहां पर कौशल विकास की भी गतिविधि का जन्म होगा। नई शिक्षा नीति के कुछ लाभान्वित होने वाले सकारात्मक पहलू जो है उस पर मैं चर्चा करूंगा। यह शिक्षा नीति प्राथमिक उच्च स्तर और शोध नई शिक्षा पद्धति को शिक्षित एवं निपुण ढंग से नए भारत
एवं आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के लिए सकारात्मक एवं वातावरण को ज्ञान में करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम। इसकी व्याख्या करते हुए मैं कहूंगा कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर और शोध स्तर, इन सभी पर नई शिक्षा नीति में कुछ न कुछ ऐसी बातों को जोड़ा गया है जिसका असर हमारे आपके और आने वाले भविष्य के लिए, शिक्षित भारत के लिए, परंपरा को देखते हुए, तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यह पद्धति तैयार की गई है। दूसरी बात, इस शिक्षा नीति में कौशल विकास की संरचना को प्रेरित करने वाले गुणात्मक एवं चयनात्मक प्रक्रिया के तहत वैज्ञानिक कारणों पर भी आधारित है। मतलब हमारी शिक्षा परंपरा के आधार पर जो चली आ रही है उसमें तकनीक का और उसमें प्रौद्योगिकी का, जो हमारे सेमिनार का टॉपिक है सामाजिक आर्थिक और प्रौद्योगिकी का जो है बहुत बड़ा अहम रोल, मतलब इसमें भूमिका होने वाला है। तीसरी बात यह है कि तकनीकी शिक्षा, क्योंकि आज भारत जो है आधुनिकीकरण के उस मोड़ पर है जहां पर सारा चीज तकनीक की सहायता से सरल हो चुका है, यहां तक कि शिक्षा की तकनीकी तरीके से बदल चुकी है, पढ़ने और पठन पाठन का कार्य जो है वो भी बदल गया। पूरे लॉकडाउन की प्रक्रिया में कोरोना महामारी में भी हमने पढ़ाई को जारी रखा, जहां पर देश, जहां पर अन्य विश्व में महामारी और परेशानी से लोग संघर्ष से अपने आप को जो है परेशान महसूस कर रहे थे, वहां पर हमारे शिक्षा जगत में पढ़ाई को किसी भी तरह से कोई भी बाधा नहीं पहुंची, ना ही पठन कार्य को, ना ही पढ़ने की प्रस्तुति को, क्योंकि हमने तुरंत ही डिजिटल माध्यम से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की परिस्थिति को और उसका जो माहौल है उसके परिवेश को बना लिया। इसमें डिजिटल शिक्षा और जो उसका सरलीकरण है, इसके माध्यम से 2019 से लेकर के अभी आपकी जगह 2020 के मार्च से लेकर के 2021 के हम मार्च में चल रहे हैं, YouTube और Google के नए अपडेट और स्टैटिस्टिकल डेटा के आधार पर बताया गया कि 27% ऐसी चैनलें हैं जो YouTube पर नहीं आई और उनका सिर्फ उद्देश्य था शिक्षा जगत के लिए, और इसमें से हमारे भारत का 87% योगदान है। तीसरा बात है प्रारंभिक शिक्षा सरल एवं लचीली व्यवस्था, बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन के तहत परंपरागत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का समावेश है नई शिक्षा नीति में। यह हमारे लिए परंपरा को याद रखते हुए अनुभव के साथ नए भारत एवं शिक्षित भारत का निर्माण करने के लिए बहुत अभूतपूर्व इसमें जो है बातें मुख्य रूप से जोड़ी गई है। भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, संरक्षण, पाठ्यक्रम का समय समय पर अद्यतन और नवीनीकरण शोधपूर्ण के साथ होना एक सराहनीय कदम है। पढ़ाई का माध्यम बस पुस्तकें हो जाए तो ज्ञान के बदले सिर्फ सर्टिफिकेट, मतलब डिग्रियां मिलेंगी, और गुणवत्ता कहां जा रही है शिक्षा में, ये हमारे सभी जो वरिष्ठ शिक्षकगण हैं, प्राध्यापक हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए इसमें भाषाई विविधता, मैं आ रहा था यहाँ पर, हमारी भाषा उधर की उधर की बहुत अलग है, तो मैं एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी हूँ, 12 से 14 घंटे लगते हैं मुझे किसी भी भाषा को सीखने में, तो हमारे उधर क्षेत्र में बोला जाता है कहाँ जाते हैं भैया, यहाँ पर बोलते हैं कहाँ जाते हो भैया, बहुत अच्छा लैंग्वेज लगा और अच्छा भी लगा। तो भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर शिक्षा का एक ऐसा स्तर तैयार करना है, किया गया है, और आने वाले भविष्य में भी इसका फायदा सबों को मिलेगा। मतलब हम जिस भाषा शैली में, अपने मातृभाषा में, अपने सामाजिक परिवेश में, हम अपने गांव में, हम अपने घर में, हम अपने विद्यालय और महाविद्यालय में आपस में बात करते हैं, नई शिक्षा नीति में उसको भी बढ़ावा दिया गया है। इसकी पहली कदम हमारे राज्य बिहार में 3 मार्च 2021 को कर दी गई है। प्राथमिक स्तर पर मैथिली और अंगिका भाषा को जो है शामिल कर दिया गया है मातृभाषा के रूप में, कि जिस क्षेत्र के जहां पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया जा रहा है पठन पाठन कार्य में,
शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरफ से वही आदेश दिया गया आप उसी भाषा में बात करें ताकि बच्चों को लगे कि विद्यालय महाविद्यालय और जो मेरा सोल है सोल प्लास्टर जहाँ है वहां का परिवेश और घर का परिवेश एक है ताकि सीखने में भाषा ही जो समस्या होती है कि कोई हिंदी बोल रहे हैं तो कोई इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई कुछ बोल रहे हैं दिक्कत होता था कुछ लोग समझ नहीं पाते थे उसको आसानी से अब सब सीखना आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि जितनी भी पढ़ाई हम अपने विद्यालय महाविद्यालय में प्रथम पाठन दौरान सीखते हैं चाहे वह करके सीखें चाहे वह सैद्धांतिक या प्रायोगिक रूप में सीखें उन सभी का स्तर जो है हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर भाषा ही विविधता उसमें अगर आ गई तो इतना सरल हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और पांचवी बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के लिए रिसर्च के लिए जो गुणात्मक एवं सकारात्मक कदम उठाए गए हैं इसमें डिजिटल शिक्षा के साथ साथ अब ना कि सिर्फ हम अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को और ना ही सिर्फ अपने शिक्षकों को कह पाएंगे कि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ाइए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ाइए बल्कि शिक्षकों को अपनी गुणवत्ता का प्रत्येक वर्ष प्रमाण देना पड़ेगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता विकास इतनी अच्छी होगी कि एक बच्चे को जैसे हम कहते हैं कि क्लास बदल गया तो तुम अपने आप को बदलो रिजल्ट की फिक्र मत करो उसी तरह एक शिक्षक को भी हमेशा अपडेट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट को लेकर। इसके लिए सरकार ने जो डिजिटल शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जो तय किया गया है उन पर सभी को खड़े उतरना पड़ेगा चाहे आज हम पीएचडी की डिग्री लें चाहे 20 साल के बाद भी डॉक्टरेट की डिग्री लेकर रहे लेकिन वो शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय मानक है उसमें हमेशा मुझे अपना प्रमाण देना होगा क्या हमारी मानसिक शारीरिक और जो शैक्षणिक स्थिति है वो आज के बच्चों के लिए जरूरी है कि नहीं क्योंकि यह इस बात का जो सबसे भूतकालीन प्रभाव था यह था कि जब लॉकडाउन में क्लासेस बंद हो गई स्कूल बंद हो गए सरकार के द्वारा ऐलान कर दिया घर में रहना है उस समय बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे बहुत सारे ऐसे पठन पाठन क्रिया से जुड़े व्यक्ति थे जिनको कुछ पता ही नहीं था क्लास कैसे होता है तो ऑनलाइन क्लास का प्रचलन बढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए और हमारे अंदर क्योंकि हम शिक्षक बनने वाले हैं और एक शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए उन सभी लोगों को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा अद्यतन होने की जरूरत है क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हमारा बच्चा कभी अपडेट नहीं हो सकता हम पर क्योंकि एक अगर बच्चे के परवरिश में माँ बाप का रोल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए सभी आयाम मतलब हमारे गुरु हमारा विद्यालय हमारा खेल कक्ष हमारा शोध कक्ष सभी जुड़ा रहता है। मोबाइल को लेकर के सर ने कल बताया था हमारे कीबोर्ड स्पीकर जयसवाल सर ने बताया बहुत अच्छा कि मोबाइल का प्रयोग दूसरे तरीके से लोग कर रहे हैं बच्चों को नहीं पता है ये हम शिक्षकों को प्राध्यापकों को बताना पड़ेगा कि मोबाइल में ऐसे 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 ऐप हैं ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसा ऐसा गूगल की साइट्स है जिस पर आप जाकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं जानकारी ले सकते हैं और सिर्फ बोलने से नहीं होगा उसको ये जागरूकता अंदर डालनी होगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक गूगल व्हाट्सएप चलाने के लिए बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है वो खुद सीखते हैं जाकर के परिवेश में रह के। तो हम शिक्षक हमारे सबसे पहले पहली प्राथमिकता होती है कि अगर हम अपने विद्यालय महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो तकनीकी शिक्षा की बात करने से नहीं होगा इसको धरातल पर दिखाना पड़ेगा करके। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी हर एक 3 साल 5 साल में जो है सरकार ने यह प्रावधान दे दिया आने वाले भविष्य में हो जाएगा कि आपको अपडेट होने के लिए हर एक साल हर एक शिक्षक को वर्कशॉप जाना पड़ेगा चाहे मैं नौकरी से उपाधि करूं विद्वता का प्रमाण मुझे मिल जाए लेकिन वह विद्वता का प्रमाण कितने दिन तक चल रहा है और उस पीढ़ी के बच्चों के लिए वह प्रमाण सही है या नहीं है इसकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रमाण देने के लिए हर एक साल मुझे जो है जाना होगा वर्कशॉप में। इससे क्या होगा कि नवीनीकरण के इस युग में नए नए तकनीकों को सीखना पढ़ाई को पेन कॉपी से उठाकर के मोबाइल को लेकर चला गया ये परिस्थिति थी क्योंकि आज भी हमारे यहाँ चाहे कहीं भी हो ऐसे भी शिक्षक हैं जो कॉपी कलम कागज पर ही शिक्षा पठन पाठन की क्रिया को सरल समझते हैं लेकिन जो आज के बच्चों का माहौल है उनका जो रुझान है वो डिजिटल शिक्षा की ओर जा रहा है। मैं भी शोध कर रहा था शोध करने के दौरान जब क्लासेस होती थी तो बहुत सारे बच्चों का छूट जाता था तो मैं कह देता था कि चलिए कोई बात नहीं है यूट्यूब पे आप लाइव देख लीजिए अगर आपने और उसी दिन कुरान में मैं जाकर के वही टॉपिक आपने यूट्यूब पे डाल दिया जो नहीं आए हैं आए भी हैं या पढ़ने के दौरान नहीं भी समझे 2-4 बार वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे।
और इसका परिणाम इतना अच्छा हुआ कि हमारे विभाग के सत्र 19-21 के जो सत्र के प्रथम सत्र के छात्र थे वहां का रिजल्ट 93% हुआ, जहां पर लॉकडाउन में सब बंद था। और ये सब नई शिक्षा नीति के साथ डिजिटलीकरण को समझने और बच्चों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित हमने किया। अंत में यही कहूंगा कि यह शिक्षा नीति जो है सबों के लिए कुछ न कुछ लेकर आया, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो हमारा देश हो। क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होगा भारत, तब तक ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना प्रौद्योगिक और ना संपोषणीयता, आत्मनिर्भर की तो बात ही नहीं कर सकते। जितने भी बात परिचर्चा में आए उन सभी परिचर्चा में सभी को एक एंटीबायोटिक की तरह नई शिक्षा नीति देगा। मतलब सामाजिक स्तर पर शिक्षा को ले जाना है, चाहे वह प्रौद्योगिकी के स्तर पर हो जहाँ कौशल विकास की हम बात करते हैं, जहाँ आर्थिक रूप से शिक्षा की बात करनी हो और जहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की बात हो। आत्मनिर्भर भारत के इस परिवेश में नई शिक्षा नीति उस एंटीबायोटिक यानी अमृत की तरह काम कर जाएगा जहां पर अभी पूरे देश में रोजगार के लिए परेशानी हो रही है। एक शिक्षित व्यक्ति ही एक समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए उस तरह से कार्य कर सकता है जैसे राजा के महल में दिया पूरे गांव को रोशनी फैलाने के लिए प्रचुर मात्रा में प्रकाश देने के लिए कार्य करता है। क्योंकि शिक्षित समाज होगा तभी हम आत्मनिर्भर की बात कर सकते हैं, दूसरे देशों से निकलने की बात कर सकते हैं। जीडीपी में 16% भागीदारी तभी संभव है जब भागीदारी यहाँ से हो, वहां से हो, आपसे हो, ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री के बात करने से और नीतियां बनाने से होगी, आधार पर बात करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी छात्र छात्राएं जो भी हमारे प्राध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं और जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आज से और अभी से यह एक प्रण लेना चाहिए कि हम प्रतिदिन एक में एक ऐसी चीजों को सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे ताकि शिक्षा नीति में जो यह बदलाव किया गया है उसका असर बहुत जल्दी दिख जाए और दिखेगा अगर हम और आप चाहेंगे तो। क्योंकि शिक्षा नीति को बिना डेवलपमेंट के साथ फंक्शनल किए कोई विकास नहीं कर सकते हम। आत्मनिर्भर की बात होती है हम सुन लेते हैं फलाना उससे आए और बोल के चले गए, अब यहां से घर गए, बाहर निकले, सेल्फी लिए, घर चले गए, उसकी क्या अहमियत थी हम समझ नहीं पाए। इस बात को समझने के लिए आपको उन सभी चर्चों पर अपने से गहन विचार विमर्श और उसमें परिचर्चा करनी चाहिए ताकि हम सीखें। कमियां हो तो हमारे जितने भी विद्वत शिक्षक शिक्षिकाएं प्राध्यापक हैं उनसे संपर्क करें, जो सीनियर है उनसे संपर्क करें, विषय विषय वस्तु पर जो अपनी चर्चा को रखने का प्रयास करें। और यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे, अपने परिस्थिति को हम सबके सामने रख करके पहले चर्चा करेंगे। क्योंकि जब भी कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो उसको सबसे पहले आलोचना ही मिलता, और अगर आपको आलोचना मिल गई इसका मतलब आप सफल हो चुके हैं। अब आपको उस सफलता को कैसे प्रसारित कर रहा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अंत में यही कहूंगा कि यह नई शिक्षा नीति नवीन आत्मनिर्भर शिक्षित भारत के निर्माण में एक ऐसे मील का पत्थर साबित हो सकता है जो सभी के सहयोग और सभी के संरचनात्मक शैली से हम सभी बिंदुओं पर चर्चा कर विकास की ओर परिकल्पना कर, और विकास को ना समृद्धि को प्राप्त करना होगा। विकास को कितने दिनों से सुन रहे हैं, कितने वर्षों से सुन रहे हैं, विकास हो रही है, विकास करने से कुछ नहीं होगा, समृद्धि प्राप्त करनी होगी, स्थिरता वाली विकास जिसमें क्या हो समाज एक ऐसे देश का निर्माण कर सके जहां आत्मनिर्भर तो बने ही बने, शिक्षित भी बने और संस्कार भी हो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। आपसे दो क्वेश्चन है, बोलिए। पहला क्वेश्चन है कि आपने अभी कहा था कि हम 14 घंटे में कोई भाषा का अध्ययन कर लेते हैं, शायद किया भी होगा आपने, कुछ कुछ तो प्रयास चल रहा है। हाँ, यदि ये दो भाषाओं का अध्ययन किए हो तो जरा बता दे। दूसरी बात, आप जब भागलपुर से आते हैं तो वहाँ क्या लेके आते हो, बनारस में आते हो तो क्या गायब हो जाता है? अच्छा सर, मेरे मन की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। भाषाई क्षेत्र में जो हमारी अपनी पकड़ है,
एक तो आपने भागलपुर में जैसे हम लोग बोलते हैं अपने अंगिका भाषा में, कहाँ जाते हो, वो कहाँ जा रहे हो, कहने जाए तो यहाँ कहाँ जाते हो। बंगाल में जब हम जाते कभी भी तो वहां हिंदी में बोलते हैं भैया, और जो भैया जी और भाई जी बोलते हैं वहां बोलते दादा पता चले। उसके बाद जो हरियाणा के क्षेत्र में मैं रहकर एमएड की शिक्षा को प्राप्त किया, वहां पर एक नई पद्धति पता चली कि भाषा कुछ भी नहीं है, जैसे इच्छा होता है अपनी संवेदना को निकाल दो। दूसरा सर ने बोला कि यहाँ आने से आपको क्या मिलता है, बाबा काशी विश्वनाथ के शरण में आने के बाद ऐसे ऐसे प्रश्न और ऐसे ऐसे निर्णयों का हल मिल जाता है, जहाँ आने से सकारात्मकता आ जाती है, जहाँ आने से पवित्रता अंदर आ जाती है, और जहाँ आने से सारे निष्पाप जो संशय है हमारे मन के भूल जाते हैं। क्योंकि जब भी स्ट्रेस सर को मैंने तो बता था कि जब भी चिंता होती है ना तो मैं बनारस आ जाता हूँ, अब 10 मिनट एक घंटा बैठा बनारस की धरती के आने के बाद उसका सारा सकारात्मक ढंग से जो है माहौल में बन जाता है। धन्यवाद।